वैसे तो आपने जीनोस की बहुत सारी वीडियोस हमारी देखी थी, आज हम लाए हैं एक फुल लोड वाली जीनोस तो जिसके अंदर आपको क्रैश गार्ड, टूरिंग मोड का जितना होता है ना सर, फॉग लैंप्स वगैरह और बहुत सारी मॉडिफिकेशन, डिस्प्ले डिस्प्ले बहुत मतलब एक टू जेड वन टू ऑल, और जस्ट फॉर एग्जॉस्ट छोड़कर ना बाकी सारी मॉडिफिकेशन दिखाने वाला इस बाइक के अंदर। तो आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या होता है। पहले लुक चेकआउट करो इस बाइक की, ये आपकी बाइक है जो कि हमने खोल रखी है। फिलहाल इसकी जो वायरिंग है ना, ये देख रहे हैं ये हार्नेस वाली वायरिंग्स होती है आपकी, जो कि आपकी फॉग लैंप होती है, पूरी प्रॉपर फॉग लैंप है आपकी, हैवी क्वालिटी की, जो कि आपकी मिलती है 60-70 वॉट की। साथ में इसमें हार्नेस लगी होती है जो कि आप देख सकते हो, आपको पता भी लगेगा किस तरीके से फिटमेंट की गई है इसकी, क्योंकि हम जो करते हैं सारा करते हैं प्रॉपर इंटरनल, बाहर से कुछ काम नहीं होता, सारा जो भी काम होता है वो अंदर से होता है, वायरिंग वगैरह का। तो हम उस पर बिलीव नहीं करते कि कुछ भी, बस सिर्फ लगाना है, लगाना नहीं है, प्रॉपर तरीके से लगाना है, ये अपना मोटिव रहता है। देख सकते हो अब कपलो टू कपलो होता है अपना सारा। अब जैसे कि मैंने आपको हिमालयंस वगैरह के अंदर और बहुत सारी बाइक के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ ना, इसके अंदर भी उसी तरीके से आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कभी काम करवाएं तो किसी समझदार से करवाएं जिसको नॉलेज हो। बिना नॉलेज वाले से खुलवाओगे तो आपको पता ना क्या होने वाला है, आपकी बाइक की बैंड बजना, चाहे आपकी जीनोस हो, चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे पैशन हो, चाहे हिमालयन, कोई भी ऐसा नहीं है कि जीनोस है तो जीनोस से मैं खुलवाओ किसी से, नहीं, कोई सी बाइक चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए आपका कि प्रॉपर काम होना चाहिए तरीके से, जो कि आपको यहाँ मिलता है आपको अपनी शॉप पर, जो कि राजू भाई की शॉप है आपको पता ही है। अब मैंने आपको जैसे कि वायरिंग दिखा रहा हूँ ना, आप देख रहे हो अभी फिलहाल ये खोल रखी है और अभी इसके अंदर ना और ही बहुत कुछ लगा हुआ है, आप देख सकते हो क्रैश गार्ड जी 900 का बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी क्रैश गार्ड ये हमने बनवा दिया है, आपने बहुत से लोगों में देखे होंगे, बट ये देखो लुक देखो इसकी ग्रुप, फिनिशिंग देखो, और जो इसमें दी गई है ना हैवीनेस वो देखिए, ये पूरा 1.5 इंची का पाइप है जो कि आपको देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से, 1.5 इंची के पाइप में पूरी बनी हुई है, क्रैश गार्ड फुल बॉडी क्रैश गार्ड है, फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो कि लगा हुआ है, और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है इसके अंदर, और मैं इसके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री आपके लिए लाता रहता हूँ, और शायद ये पार्ट थ्री होगा जो मैं बनाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसकी वीडियोज़ बनाई है पार्ट वन पार्ट टू, ये पार्ट थ्री होने वाला है। तो चैनल बने रहने के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर, राजू भाई एसकेडी को जरूर मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी, से मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी, और इसकी मैं वीडियो दोबारा से लाऊंगा पूरी तरीके से, और इसके बाद आखिरी जो वीडियो होगी वो होगी अभी इसकी एग्जॉस्ट की, वो एंड में, क्योंकि अभी जो है ना ये लद्दाख जाने वाली है और लद्दाख के लिए गाड़ी हो रही है रेडी, तो पहले इसको करते हैं कम्प्लीट, फिर मैं दिखाता हूँ इसके अंदर मॉडिफिकेशन एक एक करके, क्योंकि इसके अंदर ना वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, एक बाइक के अंदर एक ही बाइक में आपका पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये गाड़ी तैयार हो रही है लद्दाख के लिए, लद्दाख के लिए एंड लद्दाख के लिए, और ये फुल टूरिंग मोड बन चुकी है ये बीस्ट Z900, और मेरे ख्याल से ऐसी टूरिंग मोड आपको कहीं देखने मिलेगी जैसी आपको ये मिलती है। मैं इसमें दिखाता हूँ एक एक करके, पहले टूरिंग मॉडिफिकेशन, बाद में दिखाऊंगा इसकी बेसिक मॉडिफिकेशन। टूरिंग पर आते हैं तो सबसे पहले दिखाता हूँ इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसका लगा देगा फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जो कि आपने देखा होगा बाकी किसी की वीडियोज़ के अंदर, बट जो मैं लगा दिखा रहा हूँ ना आपको, ये मैं आपको नॉर्मल क्रैश गार्ड नहीं दिखा रहा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बोला क्रैश गार्ड। पहले ना इसकी थिकनेस देख लो, पूरा 1.5 इंची मोटा है पाइप है आपका जो इसने लगा दिया इसके अंदर, और फिटमेंट देखो एक नंबर फिटमेंट है इसकी 0-0, एक आपको मिलती है इस तरफ, एक आपको मिलती है इस तरफ, और एक आपको मिलती है फिर इस तरफ, ये देख सकते हैं, और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, जैसी आपके प्रीमियम बाइक है ना उसी तरीके से प्रीमियम क्वालिटी का बना दिया गया इसका क्रैश गार्ड, जो कि आपको मिलता है आपके अपने राजू भाई के पास। और जो स्लाइडर्स है ना, स्लाइडर्स भी नॉर्मल स्लाइडर्स नहीं है, देख लो इतने हैवी स्लाइडर्स हैं इसके अंदर कि गिरने के बाद ना समझ लो पूरी की पूरी मिलेगी आपको सपोर्ट हर तरीके से, आपका टैंक लैग्स TPFC और एक एक चीज़ इसकी अंदर होने लगी पूरी सेफ, सेम इस तरफ सेम देखने मिलेगा वो इस तरफ, लुक चेक कर लो दोनों तरफ से किस तरीके की इसमें से निकल के आ रही है जब गाड़ी तैयार हुई है पूरी तरीके से। तो पर्सनली तो सच बताऊँ तो निंजा Z900 के अंदर मेरे ख्याल से अगर जो इंडिया फर्स्ट कहूँगा एज इतनी बेहतरीन टूरिंग मॉडिफिकेशन तो कोई दुराया नहीं होगा। वैसे आपने बहुत सी देखी होंगी, बट उनके अंदर क्या होता है, जुगाड़ होता है, चालू वाला काम होता है, क्रैश गार्ड अगर लोगों ने बनाया है तो वो अजीब सा बनाया, छोटा बना दिया, किसी का ज़्यादा बड़ा बना दिया, बट इतनी प्रीमियम क्वालिटी आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं जैसी इसके अंदर है। और अब टूरिंग की बात चली रही है तो आगे से आइए, थोड़ा पीछे भी आ जाइए, देखिए ये इसके सैडल बैग्स हैं जो कि आपकी सीट के अंदर अटैच होता है, ये भी इसके अंदर लगा देंगे। लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आ रही है लगने के बाद, क्योंकि जब निकलेगी ना ये टूर पे तो इसमें बहुत सारा सामान कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये इसके अंदर फिट कर देगा पूरी तरीके से। और ये जो है ना स्ट्रॉप, ये इसलिए छोड़ देगा, एक और बैग की नीड होगी तो वो बांध लेंगे इसके ऊपर। फ्रंट और बैक सिर्फ टूरिंग मोड, फ्रंट में दिखाते हैं इसके अंदर और भी चीज़ें, फॉग लैंप्स ये देखो, ये भी इसके टूरिंग के लिए रेडी की गई है। बहुत से लोगों को अच्छी लगेगी, बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, टूरिंग का शौक रखते हैं उनको बेहतरीन वीडियो लगने वाली मेरी गारंटी है। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर
टूरिंग मोड की इसके अंदर फॉग लैंप जो कि लगा देके देख सकते हैं। ये आपकी होती है आपकी 70 वॉट की आपकी लाइट जिसके अंदर मिलती है हार्नेस वाली। ये आपका हो गया येलो, ये आपका हो गया येलो ब्लिंक्स, सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न, ट्रिपल पैटर्न, मतलब तीन पैटर्न इसके अंदर आपको मिल जाते हैं आपके फॉग लैंप के अंदर। और हार्नेस के साथ जैसे मैंने आपको दिखाया था फिटमेंट करते हुए किस तरीके से फिटमेंट है, और ज़रूरी नहीं है ये येलो ये इससे निकालते हो जाएगी वाइट। ये मिलती है आपको जे जे ओरिजिनल, नॉट लोकल नॉट कॉपी, क्योंकि आपका अपना भाई राजू भाई हमेशा प्रीमियम चीज़ें देता है आप लोगों के लिए कि कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आपको इन फ्यूचर में। देखिए इसकी रोशनी देख लीजिए आप वाइट की भी, ये देखो ये हो गया वाइट ब्लिंकिंग, ये नॉर्मल हो गया, फिर से ब्लिंकिंग हो गया, तो अलग अलग पैटर्न्स के अंदर मिल जाती है आपको फॉग लैंप से वाली। अब दिखाता हूँ इसके अंदर एक और ऊपर वाली जो कि मिलेगी बटरफ्लाई वाली आपको, ये देखिए रेड ब्लिंक, येलो ब्लिंक, वाइट ब्लिंक, येलो वाइट ब्लिंक, और इसके बाद दिखाता हूँ आपको ये देखिए ये हो गया रेड नॉर्मल, ये आपका येलो नॉर्मल, ये आपका हो गया वाइट नॉर्मल, ये हो गया आपका येलो वाइट नॉर्मल। तो इसके अंदर मिल जाते हैं पूरे के पूरे 7 पैटर्न्स एक ही फॉग लैंप के अंदर। सोचो जस्ट इमेजिन 7 फीचर वाली आपको मिल जाती है फॉग लैंप बटरफ्लाई, देख सकते हैं। और फिटमेंट देखो इसकी किस तरीके से की गई है, बहुत ही जेन्युइन फिटमेंट है जो कर दी गई इधर भी से मिलता है आपको। इस तरह दोनों तरफ लुक चेकआउट कर लो कैसी आ रही है। तो इसके अंदर आपको इंडिकेटर हैजार्ड ये देख सकते हैं, इंडिकेटर हैजार्ड भी लगा दिया जो आपको मिलता है सिमटेक और जिसकी मिलती है 1 साल गारंटी। और राइट लेफ्ट पुश करके पैटर्न हो जाते हैं इसके अलग अलग चेंज, जैसे कि आप देख सकते हैं जितनी बार राइट लेफ्ट पुश करूँगा उतनी बार पैटर्न हो जाते हैं इसके चेंज। तो ये भी मिलता है आपको ओरिजिनल सिमटेक का ओरिजिनल, जो जब भी खराब होता है काउंटर प्लेसमेंट कार्ड लाइए चेंज आपका एंडपॉइंट हो जाए आ रही है। और अब इसके बाद दिखाता हूँ एक और टूरिंग मोड का मॉडिफिकेशन, आइए ये देखो। पहले हम करते हैं इसको ऑफ, अब इसके अंदर ऑन करके देंगे आपको इसके एंड्रॉयड डिस्प्ले, ये देखिए S2 निकलने वाली है इसके अंदर से, ये देखो ये देखो, इसे कहते हैं जलवा, ये बेटी है तो वो बाप है, समझ गए, दोनों चला के एक ही जा रहे हैं। लेकिन अब दिखाता हूँ आपको ये लॉक खोलते हैं इसका, अब ये खुल चुकी है और जब टूरिंग पे निकलेंगे ना तो ये इसका कैमरा देखने को मिलेगा बैक साइड के अंदर। इस कैमरे से भी इस लगा लो कि जो 360 इंच अगर लोग यूज़ करते हैं ना इसके बाद वो ज़रूरत नहीं है। ये आपका बैक का हो गया और उसके बाद ये आपका हो गया फ्रंट के अंदर, ये कैमरा आप देख रहे हो आप, इससे पूरा आगे का विजिबल हो रहा है, पीछे वाले से पीछे का विजिबल हो रहा है, तो आप समझ रहे हो पूरी होगी रिकॉर्डिंग आपकी। और साथ में ना इसके अंदर आपको GPS वगैरह बहुत कुछ इसके अंदर मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो मेमोरी कार्ड वगैरह डल जाएगा इसके अंदर, और ये GPS वगैरह ऑन करके भी अपना राइड कर सकते हैं, और साथ में कुछ भी इसके अंदर रिकॉर्डेड हो सकती है। और ये पूरा एंड्रॉयड सिस्टम है जो कि इसके अंदर लगा दिया, ब्लूटूथ वगैरह सब कनेक्ट, देख दो सेटअप देखो इसमें क्या क्या, DVR हो गया, TPMS हो गया, और आपका घड़ी का हो गया, साथ में आपका फ़ोन लाइन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, बहुत सारे इसके अंदर कनेक्टिविटी जो आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर आपकी निंजा Z900 के अंदर। कैमरा दिखा दो आपको, देखिए कैमरा इसके अंदर वैसे दिखेगा नहीं, ये देखिए ये इसका कैमरा लगा हुआ एक, और इसके बाद मिलेगा आपको बैक साइड के अंदर ये रहा इसका सेकेंड कैमरा, तो ये इसके अंदर लगे हुए हैं आपके डिस्प्ले के अंदर। और अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर और चीज़ें जो बेसिक वाली होती है, ये देख सकते हैं ये इसका स्पॉक्स लाइटर जो कि लगा दिए गए लुक के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी। साथ में मिलता है आपको ईवोटेक की ओरिजिनल रेडिएटर गार्ड जो कि लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है ईवोटेक की, ये होती है आपकी एल्यूमिनियम की, इससे हीटेड होने का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और सेफ भी जाता है आपको रेडिएटर। अब दिखाता हूँ इसके अंदर हॉर्न, ये हॉर्न भी काफ़ी नीडफुल होने वाले हैं लॉन्ग राइड के अंदर, क्योंकि एग्जॉस्ट भी लगवाया नहीं है, एग्जॉस्ट लगेगा इसमें नेक्स्ट टाइम जो इसकी थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर। इधर आपको देख लेंगे लीवर जो कि एडजस्टिंग प्लस फोल्डिंग, ये इसके अंदर मिल जाता है आपको लीवर, और इधर सेम इधर सेम इधर, और जो कलर कॉन्सेप्ट है वो गाड़ी के अकॉर्डिंग मैच किया गया है इसके अंदर, जैसे कि आपको पता ही है कि गाड़ी का कलर ग्रीन ब्लैक है तो ग्रीन ब्लैक इसके अंदर दिया गया है आपका। ये देखो साइड स्टैंड जैकेट Z900 ये मिल जाती है आपको ओरिजिनल, जिससे आपका स्टैंड कहीं भी पहाड़ों में जाएंगे तो स्टेबल खड़ी हो जाएगी आपकी बाइक। इधर आपको मिलता है इसके अंदर देखने को चेन कवर जो कि प्लास्टिक होता है, ये भी इसके अंदर लगा दिया CNC का ग्रीन ब्लैक की मैचिंग के साथ। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा स्पोर्ट्स, ये भी लगा दिया गया इस पीछे के अंदर इसके अंदर। साथ में मिलते हैं इसके अंदर थाई पैड्स, ये देखो Z900 के ओरिजिनल, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा दोनों तरफ से। सीट कवर बनवा दिया गया इसका टूरिंग के अकॉर्डिंग, सॉफ्टनेस के सॉफ्टनेस मिलेगी इसे लगाने के बाद। और बैक साइड में देखने मिलेगी इसके अंदर देख सकते हैं ये इसका मास्टर एंटर गैप एक अंदर और एक बाहर, दोनों तरफ से होगी पूरी सेफ। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं ये इसका ऑयल फिल्टर कवर, ये देख सकते हो ये भी लगा देगा इसके अंदर, ये भी आपको होता है CNC वाला जो कि आपको देखने मिलता है कुछ इस तरीके से। बाकी जिन्होंने पहले वीडियो देखी होगी उनको पता भी होगा कि किस तरीके से ये गाड़ी पहले लोड हुई थी और अब किस तरीके से लोड कर दिया गया। और भी इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिलहाल वीडियो को मैं यहीं पर करता हूँ स्किप। बाकी और जो भी काम है इसके अंदर वो दूसरी वीडियो इसके अंदर आप देख सकते हो, पहले वाले के अंदर
अभी ला सकते हो अपनी किसी भी Z900 या फिर जो मर्जी आपके सुपर बाइक हो, सबके अंदर आपका ये काम इजीली होने वाला है, टूरिंग मोड वाला। तो वीडियो चले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, भाई इसकड़ी को जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।